यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ क्रिएटिव नहीं करते जैसे टिकटॉकरों की तरह। हल्का ऐसे किया मतलब पूरा रेडी, ऐसे पाउडर उड़ाया पूरा रेडी। भाई फॉर्म फिलअप करते हुए है ना, मजा आ रहा है भाई? बिल्कुल बहुत ज्यादा सही है। टाइम हो रहा है वो 12:44 हो गया है और सूरज भाई अभी पधार रहे हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, और कॉल मेरा नहीं लेते हैं यार ये। और ये फॉर्म लेकर के आ गए हैं। फॉर्म देख लो भाई, कुछ इस टाइप का मिलता है जो आप लोगों को देख चुके होंगे, ठीक है, मैं दिखा भी दिया हूँ। तो कुछ इस टाइप का फॉर्म मिलता है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और अभी ये सूरज भाई फॉर्म फिलअप करेंगे, देन सबमिट करेंगे। पेन मेरे से मांग रहे यार, पेन मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं मेरे पास, देखो यार ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं, क्या होगा इस देश का। और हाँ एक चीज़ मैं मतलब कॉलेज वालों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ यार, कि देखो यार ऐसा भेदभाव मत करो, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ। तो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यार जो लोग भी सेकंड ईयर में और थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं वो किस तरीके से ले सकते हैं, मतलब वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को बता दिया था। और इतने दिन से वीडियो नहीं आ पा रही थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया था, और उसके बाद जो भी मेरा रिसिप्ट था वो आया भी नहीं था। तो फाइनली जो मेरा रिसिप्ट था आ चुका है, और आज जो है जाना है कॉलेज जाकर के उसी को सबमिट करना है। और वो सबमिट करने के लिए आपको साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मतलब थोड़ी मोड़ी मेरे को भी नॉलेज में आया है। जो लोग मेरे से पहले जो सबमिट कर चुके हैं फॉर्म को, उनके थ्रू मुझे पता चला है कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो देखो भाई अभी तो मैं आपको बता दूंगा ऐसे रैंडमली कि हाँ देखो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है आपसे ये कुछ पता नहीं। हाँ लेकिन एक आइडिया है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उस हिसाब से आदमी लेकर के जाता है। लेकिन वहाँ पर जाएंगे प्रैक्टिकली देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको फिल करनी होती है, क्या क्या चीज़ आपको नहीं ज़रूरत है, वो सारी चीज़ आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो के अंदर बने रहो, ठीक है ना, और व्लॉग व्लॉग देखते रहो यार तुम लोग मेरा, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने जो रिसिप्ट जो निकाला है, जो आप अभी जो एडमिशन रिसिप्ट जो आप निकाले होंगे उसको तो खास तौर से लेकर के तो जाना ही रहेगा। साथ में जो आप अगर आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट होगा, जो ऑनलाइन जो रिजल्ट जो जारी किया गया था, तो आपको उसको ले लेना है। और अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको सेकेंड ईयर का रिजल्ट लेकर के जाना है। मैंने दोनों ले लिया यार, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप अगर सेकंड ईयर में ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर का जो आपको रिसीविंग मिला हुआ होगा, ठीक है, उसका फोटोकॉपी ले लेना है। रिसीविंग मतलब कौन सा, जो आपको ऑफलाइन रिसीविंग मिला है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन जो आपको कॉलेज से जैसे ही अभी आप सबमिट करोगे ना, जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ सबमिट करने के लिए, जो भी ऑनलाइन जो रिसिप्ट वगैरह है तो इसको सबमिट करेंगे तो एक हमें रिसीविंग दी जाएगी, लाल पीले हरा होता है, ठीक है ना। तो उसी की लाल पीले हरा वाली की जो है आपको एक फोटोकॉपी ले लेनी है। और आप अगर EBC OBC के अंदर आते हो तो जाते प्रमाण पत्र लेना है, और आपको आधार कार्ड ले लेना है, ठीक है। फिर वहां पर जाने के बाद आपको जो है एक फॉर्म मिलता है 150 या 100 रुपए मिल जाता है आपको, ठीक है। तो उसकी उसको वहां से फॉर्म को ले लेना है जाकर के, बात फिल करके और उस पर एक फोटो वगैरह चिपका करके आपको वहां पर सबमिट कर देना होता है। और हाँ एक चीज मैं मतलब कॉलेज वालों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ यार, कि देखो यार ऐसा भेदभाव मत करो, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ। मतलब हम लोगों के जब भी एडमिशन की बात आती है तो यार कम से कम नहीं भी तो 3100 के आसपास हमें पेड करने होते हैं एडमिशन के लिए। वहीं अगर गर्ल्स लोगों की बात करें तो वहाँ पे उनका काम बन जाता है 300-400 के रेंज में उनका काम बन जाता है, चाहे वो जनरल में हो, BC में, जिसमें भी हो, लेकिन उनका 1000 भी नहीं पहुँचता यार। हर हमारा मतलब तकरीबन 3000-3100 तक चला जाता है, ये कहाँ का इंसाफ है। थोड़ी तो कम से कम रियायत करो यार हम लोगों को, मतलब हम लोग भी गरीबी हैं यार, हम लोग भी समझ रहे हो ना, तो हम लोग भी समझ रहे हो, ठीक है। तो कम से कम इतना तो करो, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप फीस कम कर सकते हो तो कर दो, वरना पढ़ने वाले लोग बहुत है दुनिया में, वो तो करेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन अगर गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों का सेम फी रहता तो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार कि आप गर्ल्स को भी बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो मतलब उनकी फ़ीस कम है, हमारी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा लगता है। अगर दोनों का बराबर होता तो ऐसा नहीं लगता। मेरा मतलब ये नहीं कि उनकी भी फ़ीस को आप बढ़ा दो, ऐसा नहीं है, हमारी फ़ीस थोड़ी घटा दो, ऐसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है, अभी मैं रेडी नहीं हुआ हूँ, जो टाइम हो रहा है 9:34 हो रहा है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, यस, ठीक है। अब ऐसे मतलब दिखाना पड़ेगा, देख लो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का मामला है। तो अभी फिलहाल मैं रेडी नहीं हुआ, 9:34 हो रहा है, तो 10 से इंशाल्लाह निकलेंगे, ठीक है। और मैंने सूरज को भी कॉल करा है, सूरज भी बहुत दिन से मेरे वीडियो में नहीं आ पा रहा, तो मैंने सोचा यार कि उसको भी ले लेते हैं। हालांकि अभी मैं उसको कॉल कर रहा हूँ तो कॉल ले नहीं रहा है,
तो अब क्या मसला है वो मुझे पता नहीं अभी फिलहाल। तो अभी क्या करते हैं कि जल्द से जल्द मैं भी रेडी हो लेता हूँ अच्छे से। देखो यार अभी तो मैं जा रहा था मस्त आराम से रेडी होने के लिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, मतलब नॉर्मली ऐसे हाँ मतलब मैं तैयार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ क्रिएटिव नहीं करते जैसे टिकटॉकरों की तरह हल्का ऐसे किया मतलब पूरा रेडी, ऐसे पाउडर उड़ाया पूरा रेडी। ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ आज ऐसे ही कुछ मतलब करने के लिए, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरा मन हो रहा है, मेरा मन कर रहा है भाई हम दिखाएंगे तो। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3। ठीक है चुटकी बजा करके मतलब ऐसे मतलब रेडी हो जाएंगे, मतलब पहली बार कर रहा हूँ ट्राइंग, ठीक है ना भाई मैं कहीं नंदन हो जाऊँ। कोई नहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक है अभी ये कपड़ा पहना है मैंने, ठीक है अभी फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ और मैंने सूरज को कॉल करा था तो सूरज कॉल नहीं ले रहा है, आई थिंक वो सो रहा है कि क्या, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। तो मैंने कोई बात नहीं, सन भाई हमारे जो कि मेरे साथ एग्ज़ाम दिए और दोनों एक ही कॉलेज में, तो उनका भी जो है एडमिशन लेना है, तो वही कह रहे थे कि एडमिशन ले लिए, सबमिट वगैरह सारा जो है करना है, उनको मैं बात कर लिया हूँ, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपके साथ चल लेता हूँ, दोनों आदमी का फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अभी फिलहाल जल्दी से कॉलेज के लिए निकल लेते हैं ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, ठीक है ना, और जो भी मेरा अपना डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है बैग के अंदर रख लेते हैं, देन उसके बाद फिर अभी जल्दी से निकल लेते हैं। गाइस अभी फिलहाल मैं बाहर तो आ गया हूँ यार, निकल गया हूँ मैं कॉलेज के लिए और थोड़ा मेरे को यहाँ से पैसा निकालना है, पैसा निकाल करके फिर निकलते हैं। और हसन भाई भी आ ही रहे लास्ट रास्ते में ही अभी, वो तो अभी फिलहाल देख लेते हैं कब तक आते हैं, बोल तो रहे हैं कि एक मिनट में आ रहे हैं, बस पहुँचते हैं तो फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। हमारे हसन भाई भी आ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए चलते हैं और सब बढ़िया। फिलहाल ऑटो तो मिल गया है और ऑटो के अंदर आ चुके हैं और निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। हसन भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं भाई अभी तो नहीं। अभी फिलहाल कॉलेज तो आ चुके हैं, जा करके देखते हैं अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है। इसमें काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो चुकी है यार, इसका मतलब काम हो रहा है, तो अपने को भी जल्दी से ले लेना एडमिशन। लोगों का सबसे पहला काम ये है कि जाकर के परीक्षा विभाग से एडमिशन फॉर्म लेना है, उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करेंगे देन सबमिट करेंगे। भाई फॉर्म फिलअप करते हुए है ना मज़ा आ रहा है सन भाई? बिल्कुल बहुत ज़्यादा सही है। टाइम हो रहा है वो 12:44 हो गया है और सूरज भाई अभी पधार रहे हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है, और कॉल मेरा नहीं लेते हैं यार ये। और ये फॉर्म लेकर के आ गए हैं, फॉर्म देख लो भाई कुछ इस टाइप का मिलता है जो आप लोगों को देख चुके होंगे, ठीक है मैं दिखा भी दिया हूँ, तो कुछ इस टाइप का फॉर्म मिलता है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और अभी ये सूरज भाई फॉर्म फिलअप करेंगे देन सबमिट करेंगे। पेन मेरे से मांग रहे यार, पेन मेरे पास नहीं है। नहीं मेरे पास, देखो यार ऐसे पढ़ने वाले लोग हैं, क्या होगा इस देश का। भाई फॉर्म तो फिलअप कर लिया हूँ, अगर जा रहा हूँ सबमिट करने के लिए, उसको पीछे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एडमिशन काउंटर कुछ इस तरीके का यार, और भीड़ देख लो यार काफ़ी ज़्यादा है। तो फिलहाल अभी जो है जो एडमिशन जो फॉर्म था और जो भी उलूल जुलूल जो भी चीज़ थी यार, ठीक है, वो सारा सबमिट हो गया और फाइनली एडमिशन हो गया, तो कुछ इस तरीके का कागजात आपको देखने को मिल जाएगा, हरा पीला नीला जो भी होगा, तो इसको ज़रूर ले लेना, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते घर की, और काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, और अभी जो टाइम हो रहा 2:15 हो गया, सोचो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यार समझ रहे हो। तो अभी फिलहाल निकल लेते हैं घर के लिए, है कि नहीं हसन भाई? हसन भाई हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है। फिलहाल घर की तरफ तो आ चुके हैं यार और कॉलोनी में चल रहे हैं और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सही हो रखा है। ऑटो में यार काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से व्लॉग नहीं शूट कर पाए, बट कोई नहीं यहाँ पर आकर के आपको बता दिया, ठीक है। अभी फिलहाल घर पर तो आ चुके हैं और अभी तक जोर नहीं पड़े, जल्दी से फ्रेश हो लेते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में जो आपको मैं बताया था, बस सिंपल वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है एंड जाकर के सबमिट कर देना है, तो कुछ इस तरीके का मामला था और काफी ज्यादा रश भी थी जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा मशक्कत करना पड़ा, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की बात रही। तो गाइस आज का जो कार्यक्रम है इसी को हम जो है एंड कर देते हैं, आज का जो मेरा ब्लॉग था आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।